नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे ODI के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैच के डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी वो हम देखने वाले, उसके बाद में कुछ ऐसे प्लेयरों के स्टैट्स आपको दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी खुद की एक अच्छी विनिंग टीम बना सकते हैं, चाहे वो ग्रैंड लीग का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो, आप अपनी टीम अच्छे से बना पाएंगे। उसके बाद में आखिर में आपको दिखाऊंगा ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स जिससे कि आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग तो जीत ही सकते हैं, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डिटेल से। दोस्तों मैच है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच, सेकंड ODI। दोस्तों पहले ODI में पाकिस्तान काफ़ी ज़बरदस्त हार मिली थी उनको, काफ़ी 141 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद इंग्लैंड ने ये मैच एक विकेट खोकर ही जीत लिया था। इस बार मैच का वेन्यू अगर बात की जाए तो लॉर्ड्स पर है दोस्तों, लंदन में ये मैच है। अगर बात की जाए कब है तो 10th of July यानी आज ही 3:30 बजे से मैच स्टार्ट होने वाला है। आप अगर ये मैच लाइव देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप सोनी नेटवर्क स्पोर्ट नेटवर्क पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों पिच रिपोर्ट के अनुसार यहाँ जो लॉर्ड्स पर ये जो मैच होने वाला है उसमें पहले घंटे में बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है दोस्तों, यानी बॉलर्स को हावी रहेंगे पहले घंटे में, लेकिन उसके बाद ये पिच अचानक से चेंज हो जाएगी। जो बॉलिंग को साथ दे रही थी एक घंटे बाद वो बैटिंग पिच हो जाएगी, पूरी तरह से सपाट हो जाएगी। यहाँ पे लगभग 300 के आसपास का स्कोर बन सकता है क्योंकि बैटिंग पिच होने वाला है, तो इसकी वजह से सिर्फ दोनों इनिंग्स में फर्स्ट घंटे में ही ये बॉलिंग को साथ देगा, उसके बाद पूरी तरह से बैटिंग यहाँ पे हावी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 दोनों टीमों की किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की प्रोबेबल 11 की, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। फिलिप सॉल्ट, डेविड मलान, जैक क्राउली, जेम्स विंसी, बेन स्टोक्स, जे सिपॉन्स, एल जॉर्जी, सी ओवरटॉन, बी क्रेस, साकिब मोहम्मद, मैट पार्किंसन। तो इस तरह से रहेगी प्रोबेबल 11 या फिर प्लेइंग 11 कह सकते हैं इंग्लैंड की। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्रोबेबल 11 या प्लेइंग 11 किस तरह से रहेगी, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। इनामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, एस शकील और उसके बाद एस मकसूद, शादाब खान, फहीन अशरफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हैरिस रौफ। तो इस तरह से रहेगी पाकिस्तान के प्रोबेबल 11 या फिर प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में जिसने अगर आप अपनी टीम में लेंगे तो ज़रूर अच्छी खासी अर्निंग करेंगे, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप। तो सबसे पहले ये इनको हम हॉट पिक्स या टॉप पिक्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फखर जमान की। जी हाँ दोस्तों, फखर जमान एक दोते ऐसे बल्लेबाज थे जो कि इंग्लैंड के सामने अच्छे से टिके थे फर्स्ट ODI में, और उन्होंने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की थी और फिर एक अच्छी गेंद पर वो आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने तब तक 47 यानी 47 रन बनाए थे और 67 गेंदे यानी 67 बॉल वो खेल लेते, तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में लगे थे। तो ज़रूर आप इनको अपने टीम में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं जैक क्राउली। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी फर्स्ट मैच में काफ़ी इंप्रेस किया है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। इन्होंने भी अनबीटन 58 यानी 58 नॉट आउट रन बनाए थे पहले मैच में, तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ज़रूर आप इनको भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एल जॉर्जी की बात करें तो ये एक अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों, T20 ब्लास्ट में काफ़ी बढ़िया उन्होंने फॉर्म में लग रहे थे, तो अभी भी उन्होंने ODI में एक विकेट ली थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और वो उन्होंने मोहम्मद रिजवान को 13 रन पर आउट किया था जो कि काफ़ी ज़बरदस्त गेंद थी दोस्तों। उसके बाद बात कर लेंगे शादाब खान की। जी हाँ दोस्तों, ही फर्स्ट ODI ही स्कोर 30 रन एंड वॉज अ डिसमिसल फॉर अ वेल डायरेक्टेड शॉट डिलीवरी। ये भी अच्छे टच में लग रहे थे दोस्तों, इन्होंने 30 रन भी बना लिए थे लेकिन
गोवर्धन के एक जबरदस्त शॉट डिलीवरी पर ये चकमा खा गए और आउट हो गए थे। तब तक उन्होंने 30 रन बना लिए थे, तो ये भी अच्छे खासे प्लेयर है दोस्तों, जरूर आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं। इसके बाद है एस महमूद जी, हाँ दोस्तों, ये जो बॉलर है वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंग्लैंड के है दोस्तों। इन्होंने पहले ही मैच में पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी थी दोस्तों। पाकिस्तान को काफ़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी पाकिस्तान के खिलाफ और उन्होंने 4 विकेट ली थी सिर्फ 42 रन देकर। तो आप सोच ही सकते हैं कि इनको अगर आप नहीं लेंगे तो काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है, तो ज़रूर इनको भी अपनी टीम में शामिल करना होगा आपको। पहले घंटे में तो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, साथ ही साथ जो फर्स्ट ओडीआई रही उसका मैन ऑफ द मैच भी इन्हीं को मिला था दोस्तों। उसके बाद शाहिद आफरीदी जी, हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है दोस्तों और इन्होंने ही पाकिस्तान को जो एक सफलता मिली थी इंग्लैंड की एक आउट कर पाए थे वो इन्होंने ही ली थी। शाहिद आफरीदी ने ही आउट किया था एक प्लेयर को। ये काफ़ी ज़बरदस्त स्विंग कर सकते हैं, दोनों साइड में ये स्विंग कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी हाइट होने की वजह से ये जा अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं, इस वजह से इनको भी अपने टीम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, और ये भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, काफ़ी अच्छे हैं, स्टार्ट अच्छी दे सकते हैं किसी अपनी टीम के लिए, तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। कुल मिला के ये 13 रन पर ही आउट हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे प्लेयर है, ज़रूर आप इन्हें भी पिक करने की कोशिश कीजिएगा। एल जॉर्सी के जो ज़बरदस्त गेंद थी उस पर ये आउट हुए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 13 रन बना लिए थे। अब बात करते हैं डेविड मलान जी, हाँ दोस्तों, पहले मैच में डेविड मलान ने काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म दर्शाया और ड्रीम 11 में उन्होंने 100 पॉइंट दिए दोस्तों, और वो आउट हुए थे, आउट नहीं होते माफ कीजिएगा, वो नॉट आउट रहे थे 68 रन पर, जो कि काफ़ी बढ़िया थी और 9 विकेट से मैच जिताने में इनका भी अहम रोल था इंग्लैंड के लिए। अब चलते हैं ड्रीम 11 के ऐप पे और देख लेते हैं ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स, जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग जरूर जीत सकेंगे। तो दोस्तों आप क्रिएट टीम पर क्लिक कीजिएगा, मैं हमारे टीम पर जाकर एक एक टीम एडिट करके आपको दिखाता जाऊँगा। कीपर पर आ जाते हैं, हमारे पास कीपिंग में 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है, एम रिजवान है, उसके बाद पी सॉल्ट है और सिपॉन्स है। तो मैंने अभी फिलहाल रिजवान को ही इस टीम में शामिल किया है। उसके बाद चलते हैं बल्लेबाजी में बाबर आजम को लेना है दोस्तों। हालांकि पहले मैच में उतना कुछ भी नहीं कर पाए, 0 पर आउट हो गए शायद और कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन ये ज़बरदस्त प्लेयर है दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, ज़रूर आप इनको अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। उसके बाद डेविड मलान आपको हम टीम में रखने वाले, फखर जमान को भी तो हम रखने ही वाले, ये भी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। जेड क्राउली को भी हमने इस टीम में शामिल किया है, तो ये चारों के चारों बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, ज़रूर पिक कीजिएगा इनको अपनी टीम में भी। तो अब चलते हैं, 2 ऑलराउंडर को हमने इस टीम में शामिल किया है। बेन स्टॉक्स तो ऑफकोर्स हमारे टीम में रहने वाले, इनको हम नहीं छोड़ सकते, काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है इनको छोड़ना। उसके बाद हमने शादाब खान को भी लिया है, जैसे कि हमने स्टार्ट्स में देखा अच्छे प्लेयर है दोस्तों, ज़रूर आप इन्हें भी पिक करने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं गेंदबाजी पर, तो गेंदबाजी में हमने शाहिद आफरीदी को ऑफकोर्स रखा है, इनको भी पिक कीजिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे गेंदबाज है और अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं और उनके हाइट का उनके काफ़ी फायदा होता है और दोनों तरफ से स्विंग करते हैं, इसलिए तो ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं गेंदबाज। और लॉर्ड्स पर पहले घंटे में तो ये काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर सकते हैं। अब चलते हैं सी ओवरटन को भी हमने लिया है, ये भी अच्छे गेंदबाज है। इस महमूद को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये काफ़ी रिस्की है, अगर इनको छोड़ दें तो पहली मैच में मैन ऑफ द मैच मिले था इनको। उसके बाद हमने एम पाकिस्तान को लिया है, तो इस तरह से 4 गेंदबाजों के साथ हम इस टीम में उतरने वाले हैं, क्योंकि पहले घंटे में कोई भी गेंदबाजी कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इस टीम में 4 गेंदबाज लिए। तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, ज़रूर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए जा सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और कैप्टन देख लेते हैं, मैंने इस टीम का कैप्टन बनाया फखर जमान को, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी माफ कीजिएगा बल्लेबाजी दोस्तों, ओपनिंग के लिए आते हैं और मुझे लगता है कि अगले मैच में ये काफ़ी जिम्मेदारी से खेलेंगे और अच्छा स्कोर खड़ा करने में काफ़ी अहम रोल निभाएंगे, तो मुझे लगता है इनको हम कैप्टन जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं वाइस कैप्टन की, तो मैंने यहाँ पे बेन स्टॉक्स को वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि दोस्तों ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं, हालांकि पिछले मैच में इनको इन्होंने एक ही ओवर डाली थी और बैटिंग भी नहीं आई थी, क्योंकि 9 विकेट से इंग्लैंड जीता था। आप चाहे तो बाबर आजम या फिर किसी और को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, डेविड मलान को भी कर सकते हैं,
तो मैं फिलहाल बेन स्टॉक्स के साथ जाना चाहता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टिप का प्रीव्यू करा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख रहे हैं, एम रिजवान को मैंने लिया है कीपिंग में, वही चार बल्लेबाजों के लिए फखर जमान को, बाबर आजम को, उसके बाद डेविड मलान को और जेड क्राउली को हमने लिया। वही हमारे टीम में दो ऑलराउंडर शादाब खान और बेन स्टॉक्स को हमने इस टीम में शामिल किया। उसके बाद सी ओवरटन को हमने लिया है, एस महमूद को लिया है, एम पाकिस्तान को लिया है और शाहिद अफरीदी को लिया है। चारों के चारों जबरदस्त गेंदबाज है दोस्तों, जरूर अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं और घंटे भी आपको दिला सकते हैं और अच्छे खासे पॉइंट आपको मिलेंगे इनके जरिए। तो जरूर इन चारों को लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी बढ़िया ये टीम बन गई। जरूर आप इसे ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने इस टीम का कैप्टन फखर जमान को बनाया, तो वही वाइस कैप्टन बेन स्टॉक्स को बनाया, तो काफ़ी बढ़िया टीम है। जरूर इस टीम को क्लोज कर देते हैं और सेव कर लेते हैं, दूसरी टीम पर आ जाते हैं, एडिट करके दिखा देता हूँ। इस टीम में मैंने पी सॉल्ट को लिया है दोस्तों, क्योंकि ये भी अच्छे कीपर है, लेकिन पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैच में खेल सकते हैं। अब चलते बल्लेबाजी पर, तो जैसे कि मैंने बताया 10 ओवर के बाद, मतलब एक घंटे के बाद करीब करीब ये बैटिंग पिच होने वाला, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 बल्लेबाजों को शामिल किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाबर आजम को मैंने रखा ही है। उसके बाद इस टीम में हमने जे विंसी को लिया है, ये भी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डेविड मलान तो हमारी टीम में रहने वाले, फखर जमान भी हमने लिया है और जेड क्राउली को लिया है। ये तीनों के तीनों बल्लेबाज हमारे टीम में जरूर रहने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये 5 बल्लेबाज इस टीम में हो चुके हैं, बाबर आजम, जे विंसी, डेविड मलान, फखर जमान और जेड क्राउली। तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, पाँचों के पाँचों आप जरूर ले सकते हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो इस बार मैंने बेन स्टॉक्स को तो लिया ही, लेकिन इस बार एफ अशरफ को लिया है, ये भी अच्छे खासे गेंदबाज बल्लेबाज है दोस्तों, जरूर आप इनके साथ में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से दो ऑलराउंडर हो चुके हैं। अब चलते हैं गेंदबाजी पर, तो इस बार हमने सी ओवरटन और एस महमूद को तो लिया है दोस्तों, उसके साथ साथ एच राउफ को हमने इस टीम में शामिल किया है। ये भी अच्छे गेंदबाज है और आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। को बाहर रखना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पिछली टीम में हमने नहीं लिया था, तो किसी न किसी टीम में हम इनको जरूर शामिल करने वाले थे, क्योंकि ये भी अच्छे गेंदबाजी है और अगर अच्छे गेंदबाजी डालते हैं और हम नहीं लेते तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता था, इस वजह से इस टीम में हमने उनको शामिल किया। तो ये भी काफ़ी बढ़िया टीम है, कप्टन को क्लिक करके देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के देखने से हम बना सकते हैं। इस टीम का कैप्टन मैंने ऑफकोर्स डेविड मलान को बनाया, पिछले मैच में काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी उन्होंने, 68 रन पर नॉट आउट रहे थे, इस वजह से आपने इनको कैप्टन बनाया दोस्तों, जरूर आप भी इनको कैप्टन बना सकते हैं। वही वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने एस महमूद को बनाया, पिछले मैच में 4 विकेट लेकर ये मैन ऑफ द मैच बने थे, तो इनको भी कहीं ना कहीं कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर लगाना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टीम में उनको वाइस कैप्टन लगाया। तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, जरूर ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं, एक बार टीम प्रीव्यू जरूर करा दूंगा। देख सकते हैं मैंने इस टीम में कीपर में पी सॉल्ट को लिया है, वही बल्लेबाज हमने 4 लिए, डेविड मलान, बाबर आजम, फखर जमान, जेड क्राउली और जे विंसी। इस तरह से 5 बल्लेबाज है हमारी टीम में, तो वही दो ऑलराउंडर फिर से हमारे टीम में, लेकिन बेन स्टॉक्स एक है और एक चेंज किया है मैंने, एस अशरफ को बनाया है, इस बार लिया है टीम में। वही हमारे पास इस बार 3 ही गेंदबाज है, सी ओल्टन, एस महमूद और एच राउफ को हमने लिया है। तो इस तरह से ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया डेविड मलान को, तो वही एस महमूद को वाइस कैप्टन बनाया, जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी टीम बढ़िया है दोस्तों, जरूर इस टीम को आप ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये टीम मैंने खास ड्रीम इलेवन के ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। तो इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। तीसरी टीम में हमने यहाँ पे 2 कीपर लिए हैं, एम रिजवान को भी लिया है और पी सॉल्ट को भी लिया है, आप चाहे तो जेस सिम्पॉन्स को भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनके साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि पी सॉल्ट ओपनिंग के लिए आते मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने उनको शामिल किया है और मुझे लगता है कि अगले मैच में ज़रूर ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो ज़रूर मैंने इनको इस टीम में शामिल किया है। इसके बाद चलते हैं बल्लेबाजी पर, तो इस बार हमने 3 ही बल्लेबाज लिए, क्योंकि मैं 3 ऑलराउंडर के साथ भी जाने वाला हूँ और हमने ऑलरेडी 2 कीपर लिए, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन कम होते हैं बैटिंग में, तो हमने बैटिंग में यहाँ पर बाबर आजम को लिया है, जे विंसी को लिया है और आई हक को इस टीम में शामिल किया है। ये टीम थोड़ी रिस्की है दोस्तों, थोड़ा सोच समझ कर लीग लगाइएगा, ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग लगानी है, मैं आप पर छोड़ता हूँ।
तो आई हक को लिया है, जेविद सिंह को लिया है, बाबर आजम को लिया है। यहाँ पे आई हक की जगह पे आप फखर जमान या फिर डेविड मलान को भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आई हक के साथ जाना चाहूँगा। अब चलते ऑलराउंडर पर, तो बेस्ट ऑफ स्किल लो, यहाँ मैंने एल जॉर्जी को लिया है और शादाब खान को लिया है। ये भी काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है, तीनों की तीनों जरूर आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। अब चलते गेंदबाजी पर, तो यहाँ पे भी हमने फिर से तीन गेंदबाज लिए, साइन अफरीदी को लिया है, उसके बाद एम पाकिस्तान को लिया है, यहाँ पे हमने एस महमूद को छोड़ा है। पर मुझे लगता है कि हम यहाँ पे अच्छे खासे गेंदबाज ले चुके हैं, एम पाकिस्तान को भी लिया है और बी से केयर्स को लिया है इस बार, क्योंकि यहाँ पे ये बी केयर्स 8 पॉइंट में मिल रहे हैं और हमारे पास 8 पॉइंट में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी बढ़िया टीम बनाई है, बैट्समैन बॉलर और सभी हमारे पास काफ़ी बढ़िया है, तो ज़रूर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप महमूद को अगर लेना चाहते हैं, एस महमूद को, तो मैं एक चेंज करके दिखा देता हूँ। दोस्तों बीस ऑल्ट को हमने पहली टीम में लिया था, शायद दूसरी टीम में लिया था, तो बीस ऑल्ट को हम निकाल देते हैं दोस्तों अभी और उनकी जगह पे जेसी पॉइंट को ले लेते हैं। उनकी जगह पे लेने के बाद हमारे पास आधा पॉइंट बच जाता है। अब गेंदबाजी में चलेंगे और गेंदबाजी में हम 20 केयर्स को निकाल के यहाँ पे महमूद को ले सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया टीम बन जाती है दोस्तों। ज़रूर आपको रिस्क नहीं रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा। हाँ, बैटिंग में हमारे पास थोड़े कम ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे भी कुछ ऑप्शन ले सकते हैं। शादाब खान को निकाल के आप यहाँ पर जेड क्राउली को भी ले सकते हैं या एस मकसूद को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों, ज़रूर आप इसे ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग के लिए यूज कीजिएगा। ये आप पर छोड़ता हूँ कि आपको इस टीम को किसके लिए कौन सी लीग के लिए चूज करना है, या फिर आप बेस्ट ऑफ्स को भी छोड़ सकते हैं और बेस्ट ऑफ्स को छोड़ने के बाद आपके पास डेविड मलान भी आ जाते हैं। तो फिलहाल मैं टीम ऐसे ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बाबर आजम को बनाया और जे विंसी को वाइस कैप्टन बनाया। दोनों की दोनों बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, जो आप इनको बना सकते हैं, इन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम मुझे लगता है कि कैप्टन है पाकिस्तान की टीम के, तो अगली मैच जरूर वो थोड़ी जिम्मेदारी से खेलेंगे और अच्छा स्कोर बनाने में अपनी टीम को हेल्प करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस टीम का प्रीव्यू जरूर करा दूंगा मैं एक बार। जे सिपॉज को मैंने लिया है, एम रिजवान को लिया है, दो कीपर हमारे पास है, जे विंसी को लिया है, बाबर आजम को लिया है और आई हक को लिया है, तीन बल्लेबाज है। बेस्ट ऑफ एल जॉर्जी और एस खान को हमने, यानी शादाब खान को हमने लिया है ऑलराउंडर में, तो तीन गेंदबाज है, एस महमूद, एम पाकिस्तान और साइन अफरीदी। तो इस तरह से तीन गेंदबाज भी है, तीन बल्लेबाज भी, तीन ऑलराउंडर भी है और दो कीपर है। तो इस तरह से ये भी टीम बढ़िया है दोस्तों, आप चाहे तो इसे ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों में किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस टीम को भी सेव कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी टीम सबसे बेहतर लगी आपको। और आखिर में फिर से कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।